नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच, अहमदाबाद। हम सीख रहे हैं लोगों के मन जीतने की कला। हमने 6 नियम सीखे। डेली आप एक नियम देखिए और उसके ऊपर अमल करिए। आज 7वां नियम देखते हैं। नीलेश और निकिता दोनों हस्बैंड वाइफ है। वैसे तो दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही है, मगर नीलेश को एक प्रॉब्लम है। कभी कभी निकिता उनकी कही बात मानती नहीं है, तो नीलेश अपनी मम्मी के थ्रू कहलवाता है कि निकिता का बोला ना ये कर दे। अब देख लीजिए, उसकी माँ यानी निकिता की सांस, और निकिता की सांस जो भी कहे ना निकिता करती है। कभी आपने देखा है, बहुत कम होता होगा। हमारे यहाँ तो क्या होता है, सास बहू के झगड़े चलते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते हैं। मगर इस केस में ऐसा हुआ कि निकिता अपनी सासू की दीवानी है, दोनों के बहुत अच्छे रिलेशन है, उसकी हर बात मानती है। ये जादू कैसे हुआ उसका बैक स्टोरी बताता हूँ। जब नीलेश की शादी हुई, निकिता घर में आई, एक दो दिन के बाद ही डाइनिंग टेबल पर डिस्कशन चल रहा था कुछ आगे की लाइफ के बारे में, तो नीलेश की मम्मी ने क्या कहा कि अब तो जो निकिता कहेगी वही करना होगा हमें। वो हमारी घर की बहुरानी बन के आई है, तो वो नए नए सपने लेके आई है, नए नए आइडिया लेके आई है, पढ़ी लिखी है, तो उनकी सब बात सुने और हम घर में वो बदलाव लाए जो निकिता कहती है। और उसने घर की सब चाबियाँ दे दी निकिता को, बोले अब ये तेरा घर है। देखिए नीलेश की मम्मी ने क्या जादू किया निकिता के ऊपर, उसने निकिता का आते ही फैमिली में इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया। और बस एक ही उसकी बात ने निकिता को उसका दीवाना बना दिया। दोस्तों यह बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो, उनको महत्व देते हो, तो इंसान आपके ऊपर भारी हो जाता है, आपका दीवाना बन जाता है। दोस्तों क्या कैसे दिया जाए, तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं 1-to-1 में, तो क्या करें, अपनी बात कम करिए, सामने वाले की बात करिए, उनके इंटरेस्ट की बात करिए, उनकी फैमिली की बात करिए, उनके बिजनेस की बात करिए, उनके शौक की बात करिए, उनके सपनों की बात करिए। जब आप किसी के साथ हो और उनको इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी बातें करते हो, इनडायरेक्टली आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो वो आपका चाहक बन जाता है। दोस्तों कितनी सिंपल बातें हैं, मगर लोग नहीं करते हैं। मैंने देखा है जहाँ भी जाओ लोग अपनी बातें शुरू कर देते हैं। मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूँ, इंटरवल में लोग मुझे मिलने को आते हैं, बस मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, मैं रेकी ट्रेनर हूँ, मैंने फलाना किया, मैंने मास्टर डिग्री किया है, मैं पूछे भी नहीं, अपने अपने बातें करने लगते हैं। और उनको लगता है कि डॉक्टर अढ़िया मेरी बातें सुन के इम्प्रेस हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, इम्प्रेस करने का ये तरीका गलत है, ये होता ही नहीं कोई इम्प्रेस ऐसा। हर इंसान बेसिकली सेल्फिश है, उसको अपना ही इम्पोर्टेंस के ऊपर फोकस है, दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, यानी कि आप दूसरे का दिल जीतना चाहते हो ना, दूसरे को इम्पोर्टेंस दीजिए। 5 साल पहले मैं टोरंटो गया था, नायग्रा फॉल देखने को गया था, तो मैंने देखा कि दो बड़े बड़े बिल्डिंग के बीच में रोप बांधी हुई थी और एक आदमी उसके ऊपर ऐसे चल के रोप से एक बिल्डिंग से दूसरे की तरफ जा रहा था। 100 मंजिले की बिल्डिंग थी, सोच लीजिए वो गिरता तो क्या होता था, सीधा मर जाता था, नो डाउट। इतना रिस्क आदमी क्यों ले रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए? नहीं दोस्तों, इम्पोर्टेंस के लिए, क्योंकि देखा कि हजारों लोग उसको देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सब वो चैनल वाले उनकी वीडियो निकाल रहे थे और चैनल पे लाइव दिख रहा था पूरे टोरंटो में, कितना बड़ा इम्पोर्टेंस मिल रहा था उसको। इसके लिए उसने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। दोस्तों देखिए, इम्पोर्टेंस पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ तक जाते हैं आपको मालूम होगा। इंडिया में तो नहीं है, मगर अमेरिका में हॉल ऑफ फेम्स रहता है, यानी जो फेमस इंसान रहते हैं उनके पिक्चर लगे रहते हैं, उनकी कुछ बातें लिखी रहती है, उसको हॉल ऑफ फेम कहते हैं, और लोग प्राउडली कहते हैं आई एम इन हॉल ऑफ फेम्स। दोस्तों मगर हॉल ऑफ फेम्स में इजीली जा सकता है? नहीं, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब हॉल ऑफ फेम्स में आपका नाम आता है, आपका फोटो लगता है। तो इतनी मेहनत लोग क्यों करते हैं हॉल ऑफ फेम्स में जाने के लिए, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए? लोगों को कहते हैं आई एम इन हॉल ऑफ फेम्स, लोग ये कहते हैं मैंने गिनीज बुक में नाम लिखवाया है, मैंने लिम्का बुक में मेरा नाम है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं, अपना इम्पोर्टेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दोस्तों ये सबके बुक है इम्पोर्टेंस, आप उनको इम्पोर्टेंस दे दीजिए ना, आपका क्या जाता है, वो आपका दीवाना बन जाएगा। हमारे घर में मेडल्स और सर्टिफिकेट पड़े रहते हैं, तो हम क्या बैग में डाल के बंद करके रखते हैं? नहीं, हम डिस्प्ले में रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आके देखे हमारा इम्पोर्टेंस बढ़े उसकी वजह से, नहीं देखे तो हम उनको दिखाते हैं। घर नया होता है, जब देखने लोग आते हैं पहली बार, तो हम घर का बाथरूम से लेकर सब कुछ दिखा देते हैं, नहीं देखने वाली चीज़ भी दिखा देते हैं। क्यों? अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, कि मैंने इतना अच्छा घर लिया, इस घर में मैं रहूँगा। देखा दोस्तों ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो लोग समझते नहीं हैं।
लोग बड़े बड़े डोनेशन क्यों देते हैं? गरीबों के दया के लिए, शायद यस और नो, मगर ये तो उनके लिए जरूर है कि उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता है उसकी वजह, ये बड़े डोनर है ऐसा कहते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए ही देते हैं डोनेशन। दोस्तों, क्रिमिनल क्राइम इसलिए करते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है, इसलिए ऐसा देखा गया है, ऐसा स्टडी किया गया है कि जब कोई क्राइम करता है और पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसकी सबसे पहले इच्छा होती है जल्दी से न्यूज़पेपर देखे, न्यूज़पेपर में मेरा फोटो आया है कि नहीं आया है, चाहे गलत तरीके से आया हो मगर उनका इम्पोर्टेंस तो बढ़ा। देखिए दोस्तों, लोग क्राइम करते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये सब इसलिए होता है कि उनको इम्पोर्टेंस होता है। आपको लगता है आपको मालूम है ओलंपिक में मेडल लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 10-10 साल, 20-20 साल लोग मेहनत करते हैं ओलंपिक तक पहुंचने के लिए और मेडल लेने के लिए। ओलंपिक में मेडल मिलने से क्या होगा? बिलियनर बन जाओगे। इतनी मेहनत कोई बिजनेस में करे ना, उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते थे। तो ओलंपिक में क्या मिलता है उनको? इम्पोर्टेंस मिलता है। पूरी दुनिया के चैनल दिखाती है, इसने गोल्ड मेडल जीता, इसने ये जीता, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी फॉर द पीपल। दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए, लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए। एक बार अमिताभ बच्चन का मैं टीवी इंटरव्यू देख रहा था, तो इंटरव्यूअर ने उसको पूछा कि सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन का मैं फैन हूँ, तो ये सुन के आपको कैसा लगता है? तब सचिन तेंदुलकर टॉप पे था। तो अमिताभ ने क्या जवाब दिया मालूम है? उसने ये जवाब दिया कि शायद सचिन जी को ये नहीं मालूम कि मैं उनका बड़ा फैन हूँ। अब क्या हुआ कि सचिन अमिताभ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अमिताभ सचिन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देखिए, ये महान लोगों का काम है दूसरे को इम्पोर्टेंस देना। छोटे लोग होते हैं ना, खुद का इम्पोर्टेंस के लिए बातें करते रहते, काम करते रहते, दूसरे को इम्पोर्टेंस देना जानते नहीं हैं। अगर आपको लोगों के दिल में जगह बनानी है तो आप ये काम करिए, लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।